वो सर एनिमल ट्रेनिंग सेंटर, लोग पता की जाने घोड़ा चोर आ गए। कोई पग आला मेरठ चले जावे ओनू घोड़ा चोर दा ये बंदे दी मानसिकता वेखो। मां रब समान होंदी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागदी जोत हाजरा हजूर सारे हाजिर नाजिर गुरु साहब ने, ये उन्हां दे हाजरी च शराब पी के जा सकता है, मां दी झूठी सौं खा सकता है विधान सभा च। आ भगवंत मान तेरे करके आ दाड़े दा प्रकाश कीता, तू कदे करके तां विखा, इहनूं मैं बन्नदा वी आ ते सुन मेट भी लई दा ते प्रकाश उहदा कोल भी लई दी है, तू तां करके विखा। तू पग दी जो इज्जत करदा, जो तू उहदे प्रति सोच रखदा, उह तां कल्ला तेरा पोलिटिकल नैरेटिव है। उह हुण मेरठ च उही ऊठां वाली गल ही होगी, कहिंदा दुबई च साडे पंजाबी तां जा के कल्ला ऊठां नूं चारनते ने, और उहदा जवाब पंजाबियां ने ठोकवा दित्ता। हुण मेरठ दे सिख भी देणगे और दे रहे ने। मेरठ च पग आले की इज्जत है, शान है, सिख रेजिमेंट लंबा समा उत्थे रही है। जिहड़ा मेरठ कंट्रोलमेंट वसिया है, अज तो चलो एरिया क्योंकि मेरठ फैल बड़ा गया, उदों 90% एरिया कंट्रोलमेंट का सी, जिहदी सिख रेजिमेंट शान उदों भी सी, अज भी आ। जे ठीक है ट्रांसफर उतों हो गई है, मगर उत्थे सिखां दी इस तरीके दी शान है कि जदों किसानी अंदोलन होया, जदों सिखां बारे एंटी नैशनल उन्हां नूं पेश कीता गया, उस इलाके दा वड्डा लीडर टकैत साहब सिखां दे हक च आके खलो गए कि नहीं ये एंटी नैशनल नहीं हो सकदे, ये तां सब तों वड्डे वतन प्रस्त लोग ने, देश लई मरन मिटन वाले लोग, क्योंकि वह उस मेरठ एरिए नूं बिलोंग करदा। और इन्हें बेइज्जत कला पग आले नूं नहीं कीता जिहड़े उस इलाके च रहिंदे आ। साडे बहुत सत्कारयोग पंज प्यारे, पंज प्यारियां चों भाई धर्म सिंह जी हस्तिनापुर नूं बिलोंग करदे आ। हस्तिनापुर ते मेरठ मतलब जिहड़ा सब तों वड्डा शहर आ उह मेरठ आ। तूं भाई उत्थे पग आलियां नूं नीवां विखा के तूं कोशिश की कर रिहा? तू कि सिख सोच नू, सिख मैंटैलिटी नू हर वेले चैलेंज करता रहेगा? विधानसभा च तू ककारा दी मजाक उड़ावे, बाहर तेनू मौका मिलता है तू होर चक्कर, तू मेरे नाल जिहड़ी लड़ाई लड़नी है जी सद के लड़ना, मगर सिख भाईचारे नू कौम नू धर्म नू विच लिया के इस तरीके का माड़ी शब्दावली गिरी हुई सोच दा जब तू प्रतीक दिना तो मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि मान साहब जो तेरे बारे कहिंदे ना, तू तो अरबी घोड़िया की गल करदा, तेरी हरकत आ मान साहब दे विचार ने सही ने इहदे बारे। भगवंत तां बिलकुल टट्टू बन गया। हाँ ये मैं कल्ला कहिंदे, दुनिया कह रही है। हुण मैनू पंजाब दे लोकां नूं इहनूं रोक दी, पंजाब दे लोकां नूं मैं पुछना चाहुंदा कि आ जिहड़ा दिल्ली दा टट्टू इत्थे छड्डिया भगवंत मान, ये दसो मेरे दादा जी दी कल नियुक्ति पत्र दे रहा, मेरे स्वर्गवासी दादा जी दे बारे गल छेड़ के पै गया, वह भी कदों की 1957-58 की। मैं पुछना चाहुंदा 50-60 साल 57 ला लो तो 65 ईयर्स 65 जदों तू जमया भी नहीं, तेरी उम्र नहीं इन्नी, तेनू उन्हां बारे टिप्पणी करे तो अज दे की किसानां दे मुद्दे हल हो जाने? अज थोड़ियां रैलियां च किसानां दियां सिखां दियां पग्गां रोलियां जा रहियां, लाइयां जा रहियां, की मसले हल हो जाने? अंगहीन ब्यास पुल ते बैठे ने धरने ते, की उन्हां दे मसले हल हो रहे? मुलाजमां नूं की डीए मिल रहा? जो सुल्तानपुर लोधी होया की ओहदी माफी मंगी,
कि जो इंडस्ट्री नाल हो रहा ओदी गल कीती, लॉरेंस बिश्नोई दा 8 महीने पुराना इंटरव्यू ओदी इनक्वायरी ते इन्हां तों कराई नहीं जा रही। 60 साल पुरानी कहानी झूठ पेश करने लई उन्हें मौका मिल गया। इहदा मतलब की है कि सिर्फ ते सिर्फ ध्यान भटकाउणा, असल मुद्दे तो लोगों को भटका के सज्जे खब्बे गल करके लली पब्बी मार के झूठ सच सुना के आपका टाइम कढ़ना, कि सिख कौम नू टारगेट करना, जलील करना, निरादर करना पग दी, ये किसी मुख्यमंत्री नू शोभदी है? ठीक है, तू दस्तार नू टोपी वांगू सोचता होना, तेरे लिए होनी, गुरसिख लई नहीं है। इसलिए मैं ये तां थोड़े नाल गल्लां सांझियां कीतियां कि मैं ये जे बेवकूफ दा अकलों पैदल दा ते ही कहूँगा माता जी नू, इन्हां दे नू सत्कारयोग भैन जी नू, कि कोई जां तां इहदी दारू घटा दिओ या किथे रीहैब च पवा दिओ, किथे इहदा इलाज करा दिओ। मैनू पता इहदा इलाज दिल्ली जाके तुसीं कराउंदे हो, जदे वध पी लैंदा तुसीं लुको लो 100 वारी। ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, 1 ਦਿਨ ਗੈਪ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ